हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोहित तिवारी फार्मिंग आइडियाज़ में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सारे अच्छे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे पशुपालक भाइयों की समस्या होती है और उनका कमेंट आता है कि भाई पशुओं में जो है सो गायों का या भैंस का जो है सो ऑर्डर क्वालिटी कैसे डेवलपमेंट करे और ऑर्डर में जो है सो अच्छी बनावट कैसे आए और उसको कैसे डेवलपमेंट करे, कम समय में कितना जल्दी डेवलपमेंट हो पाएगा और कोई ऐसा डिफेक्टिव जो है सो प्रॉब्लम भी ना आए और सही मात्रा में जो है सो डेवलप भी करे। तो उसमें क्या होती है, पशुओं में सबसे बड़ी चीज़ समस्या होती है कि अगर सही मात्रा में अगर आपका सही अगर अडर क्वालिटी है, उसका साइज बढ़िया है, तो उसमें मिल्किंग वगैरह में भी कहीं झंझट नहीं होती है, दूध में भी बढ़ोतरी होती है। हर चीज़ की समस्या का एक सॉल्यूशन होता है। तो उसी पर आज हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैंने जो भी दो तीन पशु जो हमारे गाय जो है सो बच्चा यहाँ पे दिया है मेरे फार्म पे आके, तो जो भी पशु जो बच्चा देने के बाद में जो है सो सही मात्रा में उसका अडर भी डेवलपमेंट किया है और किस तरह से किया है और किस कारण ये किया है उसके बारे में बात करेंगे और उसको हम लोग कैसे डेवलपमेंट करते हैं उस चीज़ पे बात करेंगे। तो उसमें समस्या क्या आती है कि जो भी प्रॉब्लम समस्या होती है तो उस चीज़ पर हम लोग बात करते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये बीटा मैच है, इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं और सभी पशुओं में प्रयोग करते हैं। जो भी गाय, जैसे ही मान लीजिए कि कोई भी पशु होते हैं, जैसे मान लीजिए एक गाय होती है और अगर एक मंथ पहले हम लोग कोई भी चीज़ खाना देते हैं, एक मंथ पहले खाना देते हैं, तो उसमें कोई भी दूध इंक्रीज नहीं कर सकता है। एक मंथ में कोई भी आप पशु को जो है सो कितनी भी ब्रीड की रहेगी तो वो डेवलपमेंट नहीं करती है और कोई भी पशु एक मंथ में डेवलपमेंट करने के बाद में वो इंक्रीज नहीं कर सकता। आप कुछ भी फीड खिला दें या कोई भी चीज़ खिला दें, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो उसी विशेष पर आज हम लोग बात करेंगे और किस तरह से हम लोग डेवलपमेंट करते हैं और कितने ML इसको प्रयोग करते हैं और कितने दिन प्रयोग करते हैं उसके बात पर बात करेंगे और प्रैक्टिकली मैं यूज़ करके बताऊंगा कि किस तरह से मैं पशुओं में प्रयोग करता हूं और किस तरह से मैं पशुओं को देता है, कितने आसान तरीके से जो है पशु इसको खाते हैं। और यही नहीं कि यह सिर्फ गायों में प्रयोग की जाती है, बछिया में भी आप तैयार कर सकते हैं। बछिया को तैयार करने के लिए बीटा मैच का प्रयोग करेंगे तो उसमें जो है सो काफ़ी आसानी होगी, बछिया भी लोग भी काफ़ी बढ़िया तरीक़े से जो है सो तैयार होती है। तो उसको आज हम लोग जान देने का विधि बताते हैं और इसमें जो है सो सारा चीज़ इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें सारा चीज़ वैल्यू जो है सो इसमें दिया हुआ है, जिसमें जो है सो विटामिन एच का मात्रा जो है सो सबसे ज़्यादा है, विटामिन AD, AD3, विटामिन ई, सारा चीज़ के इसमें जो है सो दिया गया है। इसमें सारा चीज़ लिखा भी हुआ है, विटामिन एच का स्ट्रेंथ, अडर, टिश्यूज, मस्कुलस, ये सब सारा चीज़, मस्टाइटिस प्रॉब्लम भी दूर करता है। और डॉग, जैसे मान लीजिए कोई भी गायों पशुओं में जैसे बाल झड़ते हैं, बाल झड़ने की बीमारियां होती है, ये सब सारा चीज़ स्टॉप करती है। एक तरह से मतलब बहुत ही मतलब बढ़िया चीज़ होती है पशुओं के लिए, काफ़ी बढ़िया जो लाभदायक चीज़ है। तो और उसमें जो है सो क्या होती है ना कि पशुओं में जो है सो शाइनिंग, जो खुर के और जो बॉडी की शाइनिंग होती है वो सारा चीज़ बढ़ाती है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको देने का प्रयोग विधि कैसे है, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कैसे इसको दिया जाता है। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह से प्यार और सपोर्ट यहाँ तक बनाए रखे हैं इस वीडियो पर, भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कॉमेंट करके बताएँ और वीडियो आपको कैसी लगती है उसकी भी कॉमेंट करें। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि किस तरह से इसको देने का विधि है। तो चलिए, तो दोस्तों उसको प्रयोग करने के लिए हमारे पास में रोटी होनी चाहिए। ये देखिए रोटी है हमारे पास में। तो रोटी को, उस रोटी में क्या करेंगे कि ये विटामिन एच जो है इसमें जो है सो 10 ML लेना है हमको। तो 10 ML जो है सो दोनों में जब भी गायों को देंगे, 10-10 ML सारा डोज जो है उसको जब भी इसको प्रयोग करें, एक बार अच्छे से सेक कर ले, एक बार मिला लें अच्छे से, ताकि क्या होती है कि पशुओं में जो है सो कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आप सही मात्रा में इसको 10 ML दे दें, यहाँ देख सकते हैं ये एक पशु के लिए है। ये देख सकते हैं ये हमारा जो है तैयार हो गई है। जस्ट सैंपल दिखाने के लिए मैं इसको प्रयोग कर रहा हूँ, एक ही गाय की अभी देनी है तो उसको मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये चीज़ रखा था। और किस तरह से देना है, हर गाय किसी तरह से हर आसानी से खाती है, तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे आपको।
तो आप लोगों ने देखा कि इसको 10 ml देने के बाद में कैसे मैं दोनों रोटियों को मिला दिया हूँ। अब देखते हैं चलिए गायों में कैसे दी जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास में ये मेडिसिन तैयार हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं इस गाय में रेडी है और किस तरीका से हम इसको खिला रहे हैं और कितनी ईजी वे में ये गाय खाती है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो पशु देख सकते हैं कितने आसानी तरीके से जो है सो इसने खा लिया और कितना ईजी वे में। तो इस गाय ने आराम से खा लिया और इसका अडल्ट क्वालिटी भी देख सकते हैं। ये बच्चा देने के बाद में भी आप प्रयोग कर सकते हैं और पहले भी प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि अच्छे तरीके से अडल्ट जो है सो आपका खिल के बाहर निकलेगा। यहाँ देख सकते हैं इस गाय की अडल्ट में चेंजिंग देख सकते हैं पहले से कितना बेहतर हो चुका है। लगभग 4 मंथ हो गया है बच्चा दिए फिर भी इसका अडल्ट क्वालिटी में देखिए कितना बेहतर है और बॉडी में भी कितने बढ़िया तरीके से शाइनिंग इस गाय में है। तो कारण यही है और कितने आसान तरीके से जो है आपको देने का विधि मैं बताया और कितना ईजी वे में ये गाय खा लिया। तो उस गाय में भी प्रयोग किया गया था और इस गाय में भी प्रयोग किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जगह में या इस जगह में आप देखें इस गाय में आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था कि इस गाय में इतना बढ़िया बेहतरीन तरीके से अडल्ट कैसे ये खिलाए। तो कारण वही था दोस्तों कि वीटामैच का प्रयोग किया मैंने। तो वीटामैच एक लिक्विड है, लिक्विड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर 12 मंथ आपको यूज़ करना है 12th मंथ तो उसमें आप यूजेज डोज के अनुसार दे सकते हैं। तो उसमें एक पाउडर भी आती है अडल्ट का डेवलपमेंट करने के लिए विटामिन एच का, तो उस और पाउडर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पाउडर भी आप देख सकते हैं बड़ी आसान तरीका से वो मतलब मंथली में अब जैसे चारा डाल रहे हैं नाद या खुरली पे वहाँ पे देख के आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बड़ी आसान तरीका से जो है सो उसमें जो है सो फास्फोरस वगैरह विटामिन वगैरह सारा चीज़ की जो उसको ज़रूरत होती है रिक्वायरमेंट होती है एक प्रेग्नेंट गाय की वो इस समस्या की दूर करती है। वो सारा चीज़ उसको मिनरल्स मिलती है और जो भी मिनरल्स की कमी उसको रहती है तो नेक्स्ट लैक्टेशन में वो चीज़ रेडी हो जाती है और बढ़िया तरीका से एक अडर बना के वो निकालती है। और नेक्स्ट मंथ में आपको जो है सो नेक्स्ट लैक्टेशन में जो आपको लोगों की समस्या होती है मस्टाइटिस की तो वो भी प्रॉब्लम जो है सो दूर होती है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट आप लोग ज़रूर करें, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक और कमेंट करते हैं तो आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार दे रहे हैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए मैं टॉपिक कमेंट से ही निकाल के टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। तो किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक पर बनाने का ट्राई करूँगा और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।